आजकल नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तथा दुष्कर्म के अपराध पर अंकुश लगने के बजाय अपराधी मुकदमा पंजीकृत के बाद भी अपने क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं। बता दें कि कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना अंतर्गत बलात्कार के आरोप लगे युवक पर खड्डा पुलिस निरंकुश बनी हुई है। खुले में कहा जाए तो युवक पर पुलिस मेहरबान है, जिसके चलते नाबालिग पीड़िता न्याय के लिए मुकदमा पंजीकृत के बाद भी दर दर भटक रही है। पीड़िता का कहना है कि हम गरीबों के लिए कानून की कोई धारा मायने नहीं रखती है और अमीरजादों के बेटे कुकर्म कर खुलेआम घूम रहे हैं समय रहते। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। जिस सख जिम्मेदारी कानून के रक्षकों की होगी। कैसी घटना आपके साथ हुई थी? हम गोला नहीं खेलते और हम लेटरिंग करो गोला नहीं करो बैठने मोबाइल ने पाँच स्कॉलर पकड़ के पटक के हमारे साथ गलत कार्य करना। के रहे वो? मनीष। मनीष के का लड़का हूँ? झिनकू, झिनकू के बेटा। अच्छा, कौन विधायक हूँ? मिश्रा। हाँ मिश्रा। अच्छा, तो आपका मुकदमा लिख दिया गया? डॉक्टरी जांच भाई लोग करे बस मुकदमा लिखा लगा लगा करे बस खड्डा का पुलिस ना पकड़ के ले गए ना लोग। खड्डा पुलिस तुमको पकड़ के ले गई थी कि उसको पकड़ के ले गई थी? ओके पकड़ के ले गए ना लोग करे बस फिर हम के ले गए ना लोग तो जांच भाई लोग जो तो हम घर आने फिर नौकरा के ना पकड़ के ले गए ना लोग। अच्छा अच्छा, उस जांच में क्या निकला? बलात्कारी। अच्छा, ये बताओ उसके बाद जो मुकदमा लिखी गई उस पे क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं खट्टा पुलिस कहीं शांत बैठी है? पता नहीं। तो तुमने कहीं और सूचना नहीं दी? खड्डा सामने गए एसपी साहब लग गए वहाँ ना कुछ फिर हम गंजन न्यायालय में तो वहाँ से मुकदमा लिखा तब खड्डा नहीं जो सुनाई जाए इतना लोग किनका करते हैं। अच्छा, यहाँ से नहीं कर रहे थे? लाज के मारे ना कुछ कह पाते। डॉक्टरी भी जांच हुई और उनका घर वाला मेरे घर पर धमकी देते हैं मारे के। तो तुम चाहती क्या हो? वो जेल जा, कानूनी कार्रवाई और सजा के प्रति तुम जागरूक हो? हाँ। अच्छा ये बताई, आपके लड़की के साथ है आई जो गलत काम भइल रहो दुष्कर्म, तो में का प्रक्रिया रहो रे कैले रहनी? का कैले रहनी जब उनके संग गलत कार्य कैने तो जैसे के गलत काम कैल? मनीष कैले। मनीष के हो? झिनकू के लड़का हूँ छोट। कौन जाती हूँ? मिश्रा। अच्छा हाँ, तो बताइए। तो गलत कार कैल तो वजह से दू गो लड़का गैल तो जब इनके गलत कार कैल चिल्ली तो गैल से दू गो लड़का पकड़ल से तो भाज गैल भाज गैल तब चप्पल गोड़े के इनके लिया के आइलो तो घरे आइलो तब उनके दुआरे गंजे मनीष के ना भेटल तब वहाँ से थाने पर गंजे दरखास्त दिए आइल। आपके बेटी का कहली? बेटी हमारे कहली हमारे संग गलत कार कैल हैं बतौली। हाँ। अच्छा, तो कहाँ गई? थाने पर गईनी दरखास्त दिया है। दरखास्त के बाद फिर बोलाना तो गईनी जा तो तीन दिन हमने थाने में बैठल रहे लो महतारी बैठल। हाँ महतारी बेटी के तब वो पर नहीं सुनवाई भल तो हमने भागल पड़ौना गईनी जा कचहरी में तो वकील साहब से दरखास्त लिखाई तो लिया के बाकस में पड़ गई तो फिर गईनी जा तो बाकस में निकल तो जज साहब सामने गए तो बयान बयान हो मुकदमा हो तो मुकदमा दर्ज भैले के बाद का अपराधी पकड़ के जेल में गए कि घूमता घूमता और का कहता डरवावा था मारे कहता ना कुछ का कहता कहता मारे के ना मारे के। हाँ कौन चीज से? हरवा हथियार से मारी और केले मारी मारे को आता थे हमारे मर्दे के हमारे बेटन के जो कहीं पाए तो हम मार दे मुंगा दे यह तो कहता। तो रौरे का चाहता नहीं? हम चाहता नहीं सजा को चाहता नहीं जो कहिया पकड़ गया इतना दिन का दिन हो गए कहीं सुनवाइये नहीं होता थे हमारे लड़किया के जेल में रहल दस दिन ग्यारह दिन रहल भेला आरो तीन दिन बैठल आई तो घरे घूमता तो ऐसा करी जो सजा होके